अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, तो मैं हूँ असमानाज और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बारह रबीउल अव्वल की स्पेशल खीर जो मैं हर साल बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए जो मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध, मैंने लिया है 3 किलो और ये एक लीटर मैंने लिया था पैकेट वाला दूध, बाकी 2 लीटर लिए है मैंने खुला दूध। और यहाँ पर ले रही हूँ चावल एक पाव लिए हैं चावल, उसको मैंने साबुत चावल लिए थे कि मेरे पास टूटे हुए चावल नहीं थे, जैसे टोटल लोग भी कहते हैं चावल जिसको, तो वो मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसको तोड़ लिए हाथों से, भिगो गए थे 1-1.5 घंटे ये भिगोए मैंने बनस्पति चावल लिए, इसको मैंने हाथों से मसल लिए तो ये ऐसे टूटे टूटे से हो गए चावल, ये एक पाव चावल है। एक पाव ले रही हूँ खोया, 1 चम्मच ले रही हूँ इलायची पाउडर, 2 कप ले रही हूँ चीनी, यहाँ पे ले रही हूँ मैं पिस्ते बादाम जो ये मैंने छिलके उतार लिए हैं ये मैं अंदर डालूंगी, और यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 प्याली और ये भी है ना बादाम इसको मैंने काट लिए हैं, ये मैं गार्निशिंग में लूँगी। और यहाँ पे ये केवड़े की बोतल है, ज़ाफ़रानी केवड़े मेरे पास, तो ये मैं बाद में आपको डालूंगी फिर दिखाऊंगी। तो चलें सबसे पहले मैं दूध बॉयल करने रख देती हूँ। तो चलिए दूध उबालने के लिए मैंने रख दिया है, जैसे इसमें उबाल आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ढक के दूध हम ढक्के उबालेंगे। तो देखें दूध में उबाल आ चुका है और यहाँ पे मैं जैसे मैंने आपको दिखाया था कि चावल मैंने भिगोए हुए, तो अब मैं चावल डालूंगी यहाँ पे बहुत ही एहतियात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं और साथ साथ मैं यहाँ पे चम्मच चला रही हूँ ताकि चावल यहाँ नीचे से ना लगे, आप देख रहे हैं। तो इसको जैसे हल्का इसमें और उबाल आना शुरू होता है तो इसको मैं चम्मच चलाती रहूँगी। तो देखें उबाल आ चुका है और मैं इसको अभी यहाँ पर स्लो आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको पकाएंगे, और साथ साथ बीच बीच में चम्मच भी चलाती रहूँगी इसके ताकि हमारे चावल गल जाए और दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि इसको जितनी अच्छे से ये खीर हमारी पकी हुई होगी उतना ही मज़ा आएगा, तो ताकि इसका कच्चापन ना नहीं रहे। तो चलें बिल्कुल मैं स्लो आंच कर रही हूँ यहाँ पे और बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रहूँगी, इसको मैं ढक के रख देती हूँ। तो चलें आपसे मिलती हूँ मैं 1 घंटे बाद। तो देखें 1 घंटा हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने आज बिल्कुल स्लो कर रखी हुई थी, इसी में ये गाड़ी वाली मैंने आपको जैसे कि बताया था, और मैं आपको दिखाती हूँ चावल, ये देखें चावल बिल्कुल ये गल गए हैं। तो अब और साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने जो बादाम आपको दिखाए थे उसको मैंने ब्लेंडर से बिल्कुल चॉप कर लिए हैं, ये देखें बिल्कुल इस तरह से। ये मैं जब अभी खीर को ब्लेंड कर लेती हूँ फिर मैं आपको ये उसके बाद ये मैं चावल में डालूंगी खीर में अपनी। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। तो देखें ये ब्लेंड हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो चुकी है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप इसको ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं और घोटने की मदद से भी बना सकते हैं। लास्ट टाइम आपने मेरी अगर वीडियो देखी हो पिस्ता खीर की, तो उसमें मैंने घोटने से घोटी थी, तो मैंने चले आज आपको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने इसको इसका हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किए हैं। तो देखिए इसे ये गाढ़ी हो गई है, अब यहाँ पर मैं डालूँगी चीनी, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ फिर मैं और चीनी डालूंगी। तो देखिए चीनी डाल के मैं साथ साथ चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये इस पोजीशन पे आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि आपकी खीर साइडों से ना लगे। तो यहाँ पे मैं डाली हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी बाकी की चीनी, ये डाल दूँगी और साथ ही साथ मैं डालूँगी इलायची पाउडर जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर चलाया बड़ा अच्छा सा फ्लेवर है, बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आती है खीर में, ये देखें साथ साथ मैं चम्मच चलाए जा रही हूँ ताकि नीचे से खीर ना लगे हमारी, क्योंकि इसका टेस्ट अजीब सा जला जला सा आता है इसलिए।
तो और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, मैंने आपको जैसे दिखाए थे बादाम जो मैंने इसको ब्लेंड कर लिए थे मोटे मोटे चॉप किए हुए, ये डालेंगे। ये बादामी खीर है रबी लवल की स्पेशल मेरी, और उसके लिए मेरे लंगर के लिए मैंने बनाई है ये। मैं सकोरियों में जमाऊंगी, जैसे मट्टी की जो प्यालियाँ होती हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगी उसको भी। ये देखें इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है साथ साथ इसमें बादाम भी नज़र आ रहे हैं। अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ खोया जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये भी डाल दूंगी यहीं पे। और इसको भी हम डाल के चम्मच चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें कितनी ज़्यादा ये गाढ़ी सी हो गई है, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, ये नहीं कि मैंने अगर इतनी ली है तो आप भी इतनी लें, तो ये आपके टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। खोया भी आपको जितना जैसे कि आपको सही लगे उतना उस हिसाब से ले सकते हैं आप। आखिरी हमारा मसाला ये गया है केवड़े का जो मैंने अभी नहीं डाला, अब मैं एंड में डालूंगी इसको, हमें थोड़ा सा और गाढ़ा करना है क्योंकि हमें इसको सकोरियों में जमाना है। देखें खीर बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, काफ़ी देर से ये पक रही है, और अब मैं यहाँ पे मैंने आपको जैसे दिखाया था ज़ाफ़रानी केवड़े का स्पेशल केवड़ा है मेरे पास, तो ये मैं ले रही हूँ एक चम्मच, ये भी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो चलें इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है यहाँ पे, अल्लाह पाक हमारी नियाज़ों को हमारी दुआओं को अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, और अल्लाह पाक आप लोगों को भी सेहत और तंदरुस्ती दे। मेरे मुझे भी आप दुआएँ करें कि अल्लाह पाक यहाँ पर मुझे भी सेहत दे तंदरुस्ती दे। देखेंगे और नज़रें बद से बचाए। ये देखें बस ये पक गई है यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ, और मेरे यहाँ पर किचन में इतनी गुंजाइश जगह नहीं है कि मैं सारी चीज़ें आपको सारी प्यालियाँ जो मैंने आपको दिखा बताया कि मैं लंगर के लिए इसे वो करती हूँ बांटती हूँ, तो उसकी प्याली में यहाँ पर सजाऊँ, तो मैं ये लेके जा रही हूँ अपने दूसरे रूम में, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ साथ मैं इसमें चम्मच भी चलाती रहूँगी कि ताकि ये इसी में ना जमे, इसमें डालेंगे हम। और ये देखें साथ साथ देखें कितनी सारी प्यालियाँ यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं, मेरे छोटे वाले बेटे ने अब्दुल रहमान ने सारी सेट कर दी हैं यहाँ पे प्यालियाँ। अब्दुल रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ये वैसे ये खीर खाता नहीं है, मीठी चीज़ इसको पसंद नहीं है, पर बस इसको शौक है कि इसको ये प्यालियाँ बहुत पसंद है असल में। अच्छा इसको हम सकोरियाँ कहते हैं और मट्टी की प्यालियाँ भी कहते हैं, आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ मैं डालती रहूँगी, तो देखें यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं भर रही हूँ, और यहाँ पे मेरी बेटी यहाँ पे गार्निशिंग कर रही है साथ में इस बादामों में। देखें यहाँ पे हमने खीर सारी निकाली है, और ये देखें कितना नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगी, और ये सारी मैंने इसमें कटोरियों में सकोरियों में निकाल ली है। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है खीर की, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखा करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।